आइए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी से ही है। कल की श्रृंखला को जो मैंने शुरू किया था, पहले ऑटोट्रॉफ के बारे में मैंने बताया था, अब हेटरोट्रॉफ के बारे में बताऊंगा मैं। आइए आज का जो लेक्चर है हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कल से ही आज को जोड़ते हुए कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने जहां तक आपको बताया था कि इस पृथ्वी पे दो तरह के जीव रहते हैं, क्या रहते हैं, ऑटोट्रॉफ रहते हैं, क्या रहते हैं, हेटरोट्रॉफ रहते हैं। एक जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और दूसरा जो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे हम लोग जितने भी जीव जंतु हो गए वो लोग प्लांट्स को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कल मैंने कुछ बातें आपको बताई नहीं थी क्योंकि लाइट की थोड़ी समस्या हो गई थी, तो उसको आगे जोड़ लेते हैं कि सबसे बड़ा जो सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला जो प्लांट है वो कौन सा है, मालूम क्या है? ग्रास है। ग्रास मतलब ये बंबू सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। क्या है? सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला ये प्लांट है। इसको प्लांट की श्रेणी से हटा के इसको ग्रास की श्रेणी में लगा दिया गया। वही जो बांस नहीं होता है वो सबसे तेजी से बढ़ता है। सबसे तेजी से क्या होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से विकास करता है। आप लगा के देख लीजिए, बहुत तेजी से वो बढ़ता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला प्लांट कौन सा है, तो क्या बोलेगा? बंबू। अब बंबू अब इसको क्या कहां डाल दिया है, ग्रास की प्रजाति में डाल दिया है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा फूल होता है दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेशिया। क्या होता है? सबसे बड़ा जो फूल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेशिया। और सबसे छोटा फूल होता है, छोटा फूल होता है वुल्फिया। क्या? वुल्फिया। इसको आप याद रखिएगा। सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला प्लांट कौन सा है, ग्रास यानी कि बंबू है। और सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रिफ्लेशिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है, वुल्फिया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के जड़ों से या क्या नाम है, ग्लूकोज खींच लेते हैं या फिर वो कीट खाते हैं। तो वो सब पेड़ पौधे वहां पे पाए जाते हैं जहां की मिट्टी में ह्यूमस यानी कि नाइट्रोजन की कमी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए आपका। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का सहारा लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव का जो डायग्राम, पहले 10 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे हिंदी वाला 8 बना लीजिए, फिर यहाँ से एक टोपी बना दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक मानव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मानव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले 8 बनाइए हिंदी वाला, 8 ऐसे बना लीजिए, फिर इसको नीचे ले आइए, ठीक, ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ से एक हमारी जो फूड पाइप जाती है, उसको फूड पाइप के अंदर से जो खाना जाता है उसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। इसे फेरेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप बोलते हैं। इसके अंदर से हमारे शरीर में खाना जाता है। तो खाना जाता है तो खाना किस रूप में जाता है, या तो प्रोटीन जाता होगा, या तो फैट जाता होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट जाता होगा। यही तीन चीजें हमारे बॉडी में प्रवेश करती हैं, किसके माध्यम से? ग्रास नली यानी कि फूड पाइप के माध्यम से, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर, याद रखिएगा, ये 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग खाना लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट लेंगे, वसा लेंगे, ये तीन चीज लेते हैं, और लास्ट में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। देखिए जब हमारी बॉडी बनती है ना, तो बॉडी बनती कैसे है, देखिए सुनिए पहले। एक होता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है स्किन या ऑर्गन, और पूरी स्किन या ऑर्गन से क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। ये चार प्रोसेस के बाद हमारा क्या बनता है, मास्टर को पहले सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था, तो आजकल लोग कम जानने लगे हैं क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है इसलिए। लेकिन वैसे तो जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रो क्या नाम है, एक सेल होता है, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ पे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है, जब हमें ऑक्सीजन बाहर से मिलता है तो हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है, प्रवेश करता है, और वो क्या करता है, उसको बर्न करता है। किसको?
ऑक्सीजन को बर्न करता है, उससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पैदा होती है, हम लोगों को क्या मिलता है ताकत मिलती है, एनर्जी का स्रोत, इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको बात याद रखिएगा, फिर मैं तीन चीजें कंप्लीट करा के टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपको समझने में इजी हो, एकदम आसान भाषा में जो रोज हम लोग खाते पीते हैं उनकी भाषा में। सबसे पहले सेल, सेल को क्या बोलते हैं कोशिका बोलते हैं, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू को क्या बोलते हैं उत्तक बोलते हैं, टिश्यू से क्या बनता है स्किन यानी ऑर्गन जो हम लोग के शरीर के अंग होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बॉडी बनती है, पूरा शरीर बन जाता है, यही चार प्रोसेस के बाद हम लोग का शरीर क्या होता है तैयार होता है। अब हम लोग का शरीर तैयार होता है, हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ खाते पीते होंगे ना, कुछ खाएंगे पियेंगे तभी एनर्जी मिलेगी, तभी हम लोग का बॉडी क्या करेगा बड़ा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या स्रोत क्या क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 10 दिन से वो खाना नहीं खाया है, ठीक 10 दिन से खाना नहीं खाया, मुझसे बोलते नहीं निकल लिए, उठ के चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन तुरंत आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बाजार से क्या करें इलेक्ट्रॉल खरीद के लाएंगे, इलेक्ट्रॉल खरीद के लाने के बाद उसको पिलाएंगे, तुरंत उसको थोड़ी तो एनर्जी मिली जाएगी, इतनी एनर्जी तो मिली जाएगी कम से कम वो देख सके इधर उधर, थोड़ा बहुत बोल सके, इसीलिए क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है मालूम है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे शुद्धतम रूप होता है क्या, ग्लूकोज, आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन होता है, दो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन का अनुपात होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं ग्लूकोज का सबसे सरलतम रूप बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होता है दोस्तों वो तीन टाइप में होता है, कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है हम लोग की बॉडी में, जो हम लोग की बॉडी के अंदर प्रवेश करता है बाहर से, वो कितने टाइप में पाया जाता है, तीन टाइप का होता है, मोनोसैटेराइड, डायसैटेराइड और पोलोसैटेराइड। इसमें ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज ये भी पाए जाते हैं, वो फैक्टोज क्या होता है सबसे मीठा क्या होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको बता दिया मैंने कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगर मान लीजिए हमें भूख लगी है, हमें हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम ग्लूकोज का सेवन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो क्या करें तुरंत हमें ताकत मिलेगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम्पल दिया पानी चलता है, लोगों को डेंगू वगैरह हो जाता है, तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो क्या करता है तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, तुरंत का तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। अब देखिए हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे किससे, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मिलेगा तो हनी बीन से मिलेगा, हनी बीन यानी कि शहद, हिंदी में बोलते हैं उसको, हनी बीन से सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें हनी बीन से मिलता है, फिर पोटैटो से मिलता है यानी कि आलू से, फिर पोटैटो यानी कि आलू से मिलता है, फिर किससे मिलता है राइस से मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों राइस से मिलता है, व्हीट यानी गेहूं से मिलता है, बनाना से मिलता है, मटन से मिलता है, चिकन से मिलता है, ये सब हमारे किसके स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जिसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहा जाता है। अब हम लोग को ये समझना होगा कि अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.3 kg कैलोरी हमें ऊर्जा प्रदान होती है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 4.3 kg कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान होती है, ये आप याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा, आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए फैट, फैट फैट क्या होता है, फैट यानी कि वसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है हमें, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन देरी में करता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फैट से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर मान लीजिए इससे हमें 100 ग्राम ऊर्जा मिल रही ना, तो इससे हमें 300 ग्राम मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी देरी में मिलेगी, होता है ना कि प्यास अभी लगा है, पानी हमें 2 घंटे बाद मिलेगा, तो ये 2 घंटे बाद हमें क्या करेगा ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं फैट वसा। जानते हैं किसमें किसमें सबसे ज्यादा होता है, घी में, शुद्ध देसी घी सुने होंगे, जो गाय का घी होता है और अमूल का आजकल घी आने लगा है मार्केट में, कई तरह टाइप की वैरायटी आ गई है, तो इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इनमें भी बराबर अनुपात में होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है घी होता है, दूध होता है, मक्खन होता है, मटन होता है, पनीर होता है, मूंगफली होता है, मटन, चिकन, वनस्पति ऑयल, इन सभी में क्या पाया जाता है दोस्तों, इन सभी में फैट पाया जाता है। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, वनस्पति ऑयल, जितने भी वनस्पति ऑयल होते हैं वो कभी जमते नहीं है, आप चाहे कड़वा तेल रख के देख लीजिए, चाहे सरसों का और चाहे रिफाइंड का ऑयल रख के फ्रिज में देख लीजिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीना भर रख देंगे, वो कभी भी क्या होगा जमेगा नहीं, क्योंकि वनस्पति ऑयल है, वो क्या है वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति ऑयल है, इसलिए वो जमता नहीं है।
अब देखिए आपको पूछेगा कि फैट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो किसमें बोलेंगे घी में पाया जाता है। पूछेगा किसमें नहीं पाया जाता है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बोल देगा कि फैट पोटैटो में पाया जाता है, तो कहेंगे नहीं भैया नहीं पाया जाता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इतनी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा, आप मेरे साथ सुनते हुए भी और नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आपको समझने में काफी ईजी हो जाएगा। नहीं तो आगे चल के आपको डेवलपमेंट फैट को समझने में शायद दिक्कत हो जाए, होती है सभी को होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, प्रोटीन पे आते हैं। आप यहाँ तक समझ चुके हैं, अब चलिए हम लोग प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन का वर्क क्या है, प्रोटीन क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि क्योंकि मेन जो प्रोटीन होता है ना, वही हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। वो प्रोटीन ही है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। प्रोटीन अब अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन होता है हम लोग का किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, किससे मिलकर बना होता है, जो अमीनो एसिड है उससे मिलकर हमारा जो प्रोटीन बना होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। जो सोयाबीन का बिया आप जानते हैं ना, जानते होंगे सोयाबीन का बिया, नाम सुने हुए होंगे, जो आप खाते हैं सोयाबीन का बिया उसमें पाया जाता है, खरबूज में। तो उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। फिर हमें दाल में मिलता है, करीबन 70% प्रोटीन हमें सोयाबीन के बीज से मिल जाता है, 70%। फिर दाल है, एप्पल है, ग्राउंडनट है, एग है, पनीर है, मटन है, चिकन है, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन ही क्या करता है, हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए इसके लिए आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ प्रोटीन से संबंधित। अगर मान लीजिए प्रोटीन जब बनता है ना, तो पहले क्या बनता है, पहले दोस्तों क्या बनता है, प्रोटीन बनता है पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड फिर प्रोटीन में बनता है, प्रोटीन फिर अमीनो अम्ल में बनता है, फिर उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। पहले क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। याद रखिएगा प्रोटीन बनने के पहले क्या होता है, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड, फिर उसके बाद आगे बढ़े, अमीनो एसिड बना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, उसके बाद पेप्टोन बनेगा, क्या बनेगा, पेप्टोन बनेगा, पेप्टोन बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा, क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा, फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर उसके बाद जाके प्रोटीन बनेगा। पहले क्या बना, अमीनो एसिड बना, फिर उसके बाद पेप्टोन बना, फिर पेप्टाइड बना, फिर प्रोटीन बना। प्रोटीन से कमी से होने वाले जो रोग होते हैं ना, हाथ दुबले पैर होते हैं, क्या होते हैं, हाथ दुबले पतले हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं, हाथ दुबले पतले हो जाते हैं, और क्या नाम है, स्किन पे वीकनेस आ जाती है। प्रोटीन ही जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब खाना मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत लो, वसा मत लो, लेकिन रोज प्रोटीन लेंगे ना, आपका शरीर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, विकास तो करेगा ही, भले फैटना है, क्या करें, विकास तो करेगा ही। तो क्या करते हैं, इसलिए जितने भी वो होते हैं, आप सुने होंगे रेसलर होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं, वो प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं वो, इसीलिए क्या होता है, उनके शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। तो इसको आप समझते हुए चलिएगा। अब देखिए होता क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, हाथ दुबले पतले हो जाते हैं, स्किन पे वीकनेस आ जाती है, और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। क्या होता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। और बच्चों में मैरास्मस नामक एक बीमारी हो जाती है। क्या होती है, बच्चों में क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और पेट बाहर निकलने लगता है। प्रोटीन की कमी से पेट बाहर भी निकलने लगता है और बच्चों में मैरास्मस नामक एक बीमारी भी हो जाती है। याद रखिएगा। तो आज के लिए मेरे हिसाब से मैं इतना ही रखता हूँ, और ज़्यादा अगर मैं बताने लगा तो हो सकता है देर हो जाए, तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको आज यही खत्म कर दें, फिर अगला टॉपिक उठाया जाए। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेने पे समझ में आया तो मेरी बातों को सुनते हुए आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उतना अच्छा तो लिखा नहीं है कि आपको सही से दिखे, तो इससे अच्छा आप लोग क्या करते हैं, मेरी बातों को सुनते हुए ही नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग के, अब जैसे बाल और नाखून में क्या पाया जाता है, बाल में प्लस नाखून, बाल प्लस नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछता है क्वेश्चन, अब याद रखिएगा, बाल और नाखून में केरेटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाता है, केरेटीन, केरेटीन, क्या पाया जाता है, केरेटीन, केरेटीन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या पाया जाता है, मसल में मायोसिन और एसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
क्या सर मसल में क्या पाया जाता है? मसल में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और नाखून में जब मैंने आपको बताया मिल्क में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मिल्क में क्या पाया जाता है? केसीन, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एग में, एग में, एग याद रखिएगा, एग में पाया जाता है आपका ए एल बी, एल्बिनिन, क्या पाया जाता है? ए एल बी यू एम आई एम, एल्बिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब कुछ जो प्रोटीन है हमारे शरीर में पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ब्लड में जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन सा? हीमो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक मैं इसको सही कर देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी गलती पकड़ के उसको खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, इसमें मैं इसे सही कर देता हूँ। एच ई, एच ई ए, एच ई ए, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी हल्की सी वीक है। एच ई ए एम ओ जी, तो अब मेरी बातों को सुनते हुए चलिए। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हम लोग को ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड में ग्लोबिन नामक भी प्रोटीन पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको कोई ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, और कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।